देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 170, चेन्नई में 84, उड़ाने रद्द, नोएडा में बनेगा 400 आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस पर आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, वायरस से निपटने की कोशिशों पर करेंगे चर्चा, नोएडा में धारा 144 लागू। कमलनाथ सरकार के लिए फैसले की घड़ी, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर बहुमत परीक्षण पर सुनवाई, बीजेपी ने की है जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग। विवादों के बीच आज राज्यसभा सांसद की शपथ ले सकते हैं पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई, राष्ट्रपति ने किया है नॉमिनेट। और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का सरकार से सवाल, कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन से क्यों हिचक रही है सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का सियासी बवाल अभी तक थमा नहीं है। आज एक बार फिर से बहुमत परीक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने अदालत से जल्द प्रोटेस्ट करवाने की गुहार लगाई है। बुधवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी विधानसभा स्पीकर पर कड़ा रुख अपनाया और 16 विधायकों के इस्तीफे ना स्वीकार करने का कारण पूछा है। अदालत से इतर भोपाल और बेंगलुरु में भी एमपी का सियासी ड्रामा अपने चरम पर है। वहीं भोपाल में भाजपा ने दिग्विजय सिंह की शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता विधायकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के नेता लगातार कमलनाथ सरकार पर निशाना साध रहे हैं और बहुमत साबित करने की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति अपने आप में चरम पर है। आपको याद होगा एक ऐसा दौर आया था जब ऐसी ही कुछ राजनीति हमें कर्नाटक में नजर आई थी। कर्नाटक के नाटक हमने बहुत लंबे समय तक देखा था और उस नाटक के दरमियान ऐसा हुआ कि सरकार गिर गई और दूसरी सत्ता में पार्टी आ गई। लेकिन अब वही कुछ ऐसा ही सेम ड्रामा आपको मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है कि मेरे विधायकों को डराया जा रहा है, मेरे विधायकों को जान से खतरा है। विधायक किसके हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि विधायकों ने क्लियर कह दिया कि ना हम कांग्रेस के हैं क्योंकि हम वहां से इस्तीफा दे चुके हैं और ना हम बीजेपी के हैं क्योंकि हम उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे विधायकों को जान से खतरा है, बीजेपी कह रही है हमारे विधायकों को डराया जा रहा है। यह राजनीति का एक रूप है जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। आप खरीद फरोख्त का आरोप एक तरीके से लगा सकते हैं, खरीद फरोख्त होती है इसमें विधायकों की, क्योंकि सत्ता बनानी बेहद जरूरी है। अगर ये 22 विधायक बीजेपी में सम्मिलित होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। राज्यसभा में क्योंकि बहुमत की सरकार नहीं है बीजेपी की, तो वहां उसको जटिलता आती है हर बार किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करवाने में, लागू करवाने में एक राहत उसे वहां मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक सवाल सीधे तौर पर पूछा है एमपी विधानसभा स्पीकर से, प्रजापति जी से सीधा सवाल था कि 16 विधायकों के आपने इस्तीफे स्वीकार क्यों नहीं किए, इसका जवाब दीजिए। वहीं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी लगातार इन्फोर्स कर रही है कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, बहुमत परीक्षण करवाइए। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेती हूँ। आलोक सोधी जी हैं मेरे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अतुल मिश्रा जी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अतुल जी आपसे होगा, क्या कहेंगे राजनीतिक ड्रामा जो है मध्य प्रदेश का पूरे जोर शोर से चल रहा है। एक कह रहा है मेरे विधायकों को डराया जा रहा है, दूसरा कह रहा है कि मेरे विधायकों को जान से खतरा है। किसके विधायक हैं आखिरकार ये? देखिए काव्या जी, आपने पहले ही कह दिया कि ये जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे चुका हूं जी और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं। तो पहले यह तय किया जाए कि इन दोनों पार्टियों में किसके विधायक हैं। अगर उस तरीके से मान के चलिए तो अभी कहीं से विधायक भी नहीं रहेगा, इस्तीफा दे दिया। और दूसरा प्रश्न ये बनता है क्या कारण है कि इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, कुछ तो कारण रहा होगा काव्या जी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट पूछ भी रही है सभापति से कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया। आज देखिए दो जज जो है, दो जजों की बेंच जो है इस पर सुनवाई भी कर रही है और जहां तक मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय भी दे देगी और इनको फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा। इस चीज को कमलनाथ भी जानते हैं कि मेरी सरकार गिर चुकी है और मैं पूर्ण बहुमत में नहीं हूं, अल्पमत की मेरी सरकार इस समय मैं चला रहा हूं। उसके बाद आप ये देखिए कि आप सरकार अल्पमत में होने के बाद भी इतना बवाल चल रहा है तब भी आप 3 जिले घोषित कर दे रहे हैं, आपने 3 जिले बना दिए।
आप कहां से क्या करे ले रहे हैं, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए काव्या जी, मध्य प्रदेश की राजनीति कहां जा रही, किस तरफ जा रही, उसका क्या करवट होगा, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। और उधर आइए शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ। शिवराज सिंह चौहान जी साफ साफ ये कहते हैं कि भाई आप फ्लोर टेस्ट कराने में क्यों ही चक रहे हैं, आपको लगता है आपके पास बहुमत है तो आप आइए, हमारे पास बहुमत है तो हम आते हैं। तो इन दोनों स्थितियों के बीच में एमपी की सरकार फंसी है काव्या जी, और ये पूरी तरीके से उम्मीद रखनी चाहिए जो दो जज बेंच पे बैठे हुए हैं वो निश्चित है कि आज कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेकर रहेगा। जी आलसुदी जी, क्या कहेंगे आप, एक एक करके लड़ाई है विधायकों को लेकर के। एक व्यक्ति जाता है वो जाके धरना प्रदर्शन होटल के बाहर देने लगता है, दूसरा कह रहा है कि तुम मेरे विधायक को जो है डरा रहे हो, धमका रहे हो ताकि वो इलेक्शन में तुम्हें जो है वो वोट ना दे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए राजनीति जो है एक बड़े विकराल रूप में दिखाई दे रही है इस समय मध्य प्रदेश में जी। और हर एक के पास एक अपने अपने तर्क है, जैसे कि ये गए थे दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह गए थे अपने बागी और जो रूठे हुए 16 विधायक हैं उनको मनाने, लेकिन वहां पे भी इनके ऊपर एक आरोप बीजेपी ने जड़ दिया और सही भी है, वो उनका अपना तर्क है कि साहब आप यहाँ पे जो है राज्यसभा के चूंकि आपने पर्चा बढ़ा है, आपको वोटों की जरूरत है, इसलिए आप जो है इन विधायकों को लुभाने या डराने के लिए आप आए हैं, इसलिए हम आपको इनसे मिलने नहीं देंगे, क्योंकि विधायकों ने ऑलरेडी अपना इस्तीफा स्पीकर को प्रेषित कर दिया है, क्योंकि सदन के अंदर जो संपूर्ण पावर होती है वो स्पीकर के अंदर निहित होती है, इसीलिए वो चाहे तो स्पीकर साहब चाहे तो ये इस्तीफा मंजूर करें या ना करें, क्योंकि जो 6 विधायकों के जो मंत्री थे उनके इस्तीफे इसलिए स्वीकार कर गए कि क्योंकि उनको कमलनाथ सरकार ने बर्खास्त किया था, उन्होंने निकाल दिया था उनको मंत्री पद से, तो इस वजह से जो है उनकी मजबूरी हो गई थी स्पीकर साहब की उनके इस्तीफे को स्वीकार करना, लेकिन इन 16 में जो है उसको लिंगर आउट किया है और जिसकी वजह से बीजेपी चली गई थी आपके सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन दो बेंचों की जजों के बेंचों की जो इस समय बेंच है वो आज फैसला लेगी कि क्या किया जाए, क्योंकि कमलनाथ जी हमेशा ये कहते आए हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, अगर आपको आपत्ति तो अविश्वास प्रस्ताव लाए, जबकि शिवराज और बीजेपी का कहना है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट का आदेश राज्यपाल एक नहीं दो बार दे चुके हैं, स्पीकर साहब ने जो है कोरोना का बहाना करके संसद के जो अपने जो विधानसभा है उसको 26 मार्च तक स्थगित कर रखा है, कि इस बीच उनको लगा कि दिग्विजय सिंह जाके अपने रूठे हुए जो विधायक हैं, जो 16 विधायक बचे हुए हैं कर्नाटका में रामडा होटल में टिके हुए हैं, उनको वहां से वो मना के ले आएंगे, लेकिन ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड की स्थिति देखें वो अलग थी, वहां छोटा सा प्रांत था और वहां पे बहुत ही छोटी सी चीज होती है और कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व था, इस वजह से कर रहे थे। यहां पे आप देखिए 15 साल से शिवराज चौहान जी की यहां पे सरकार थी, उनका जो है काफी वर्चस्व था और नेक टू नेक फाइट में जिसमें सिंधिया जी का सबसे ज्यादा पसीना लगा था, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस अपना सत्ता में आ पाई, लेकिन चूंकि सिंधिया जी का उन्होंने जो है ध्यान नहीं रखा, उनको जो है जितने भी जो 70 वर्षीय या बड़े जितने नेता थे वृद्ध उन्होंने सिंधिया जी जैसे युवा एनर्जी को किनारे कर दिया, जिसकी जो है फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिंधिया ज्योतिराजे सिंधिया जैसा एक युवा नेता को खोया और साथ में उनकी कांग्रेस की जो सरकार है वो जाती नजर आ रही है। बिल्कुल अतुल जी, राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात करी जाए, जब किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति निकलकर सामने आती है कि आपसी रंजिश से आप कह सकते हैं कि एक विधायक को लेकर के नाराजगी व्यक्त की जाती है, तो सरकार जरूर डामलडोल होती है, और जिस तरीके की स्थिति अब हमें मध्य प्रदेश में नजर आ रही है उससे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कमलनाथ सरकार बहुमत परीक्षण करवाना नहीं चाहती है, क्योंकि पहले जवाब लगातार दिया जा रहा था कि हमारे पास बहुमत है, हरीश रावत ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, हम डरे हुए नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पीछे खिसकती कमलनाथ सरकार सामने आ रही है, कहीं ना कहीं डर है कांग्रेस में कि फ्लोर टेस्ट से पास नहीं होगी वो। देखिए काव्या जी, अभी जैसे सोती जी कर रहे थे स्पीकर, स्पीकर का ठीक है एकाधिकार होता है, स्पीकर उस पर निर्णय लेने का अधिकारी होता है, लेकिन कोई राज्यपाल की भी गरिमा होती है, और लाल जी टंडन वहां के राज्यपाल है, उन्होंने ये बात कही भी स्पीकर से, उस चिट्ठी में उन्होंने लिख कर दी कि आप क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी गई, पहले शिवराज सिंह गए, उसके बाद कांग्रेस भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गई,
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि भाई आप फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते हैं, तो कांग्रेस के पास में कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस उस जगह पर चुप बैठ गई। उस जगह पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया। और देखिए काव्या जी, आज जो दो जजों की बेंच बैठी है, निश्चित है कि आप ये मान के चलिए कि एमपी में ये निर्णय जरूर आएगा। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, फ्लोर टेस्ट होना ही होना है। और फ्लोर टेस्ट, अब जैसे इनका कहना है कि मेरे विधायकों को उन्होंने कर्नाटक में बंधक बना लिया, वहां पर उनको रख रखा है, दिग्विजय सिंह जी वहां नौटंकी करने जा रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे ये स्थितियां किसने पैदा की? ये स्थितियां दिग्विजय सिंह की पैदा की हुई हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपको मैं बताऊं काव्या जी, राज्यसभा में मेंबर नहीं होने जा रहे थे। ये खाली राज्यसभा मेंबरशिप को लेने के लिए दिग्विजय सिंह ने चाले चली थी कि अगर मैं ऐसा ऐसा बवाल फैलाता हूं तो आने वाले समय में मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा। और देखिए वही हुआ, दिग्विजय सिंह को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। वहां पर दिग्विजय सिंह क्या इतनी बड़ी तोप हो गए एमपी की कि वहां पे 17 विधायक उनकी बात को मान लेंगे? क्या 17 विधायक विधायकों को चुनवाने में इन्होंने कोई मदद की थी? ऐसा कुछ नहीं था। जिस आदमी ने मदद की थी, सिंधिया ने मदद की थी, आप ये मान के चलिए उसको कांग्रेस ने किनारे कर दिया। जिस दिन कांग्रेस से समझ जाएगी कि किसको मुझे गले लगाना है, किसको मुझे किनारे करना है, वो तब स्थितियां सही आएंगी। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपको याद होगा कपिल सिब्बल जी ने हमारे गृह मंत्री से प्रश्न पूछा था सीए को लेकर, तो सिर्फ गृह मंत्री ने कांग्रेस के नेता से इतना कहा, जबकि वो सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे खाली ये कहा था कि आप हमको कोई ऐसा क्लास बता दीजिए कि जिससे यहां की नागरिकता जाती हो, तो उस पर कपिल सिब्बल जी जवाब नहीं दे पाए थे। काव्या जी, संसद के अंदर कोई जवाब नहीं सूझा था अमित शाह की इस बात को। तो ये चीज जब संसद में समझी जा सकती है, हर जगह समझी जा सकती, तो इतने शीर्षस्थ नेता है कांग्रेस के, सोनिया गांधी और भी लोग हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमको किसको रखना है, किसको हटाना है और कैसे सरकार को बनाना है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजनीति का अहम छोर है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा में भाजपा सांसद ने बढ़ती जनसंख्या को बेहद खतरनाक बताते हुए तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की है, जहां सांसद संजय सेठ ने कहा कि जनसंख्या देश में महामारी का रूप ले चुकी है और ऐसे में सरकार को कठोर कानून लाकर 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों की सभी सरकारी सुविधाएं छीन लेनी चाहिए। वहीं सेठ की इस मांग पर सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों ने समर्थन किया। आपको बता दें कि शून्यकाल में सेठ ने कहा कि अगर देश की जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो 2050 में जनसंख्या 160 करोड़ को पार कर जाएगी, जबकि जनसंख्या विस्फोट के कारण देश का विकास पहले ही बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। ऐसे में इस मामले में सख्ती दिखाने की जरूरत है। साथ ही सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल लाना चाहिए जिसमें कठोरतम प्रावधान किए जाएं। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद थे, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेते हैं। आलोक सूदी जी, क्या कहेंगे? बहुत लंबे समय से हम कह रहे थे कि देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए सबसे अहम अगर कुछ है तो वो है जनसंख्या पर नियंत्रण होना। अब कहीं ना कहीं बड़ी मांग उठने लगी है लोगों की, और खासकर संसद में भी अब इसकी स्वर मुखर हो चुके हैं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा और जल्द से जल्द लाना होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जनसंख्या का, हालांकि हो सकता है संख्या में हम चीन से कुछ कम हो, लेकिन 2030 तक हमें लग रहा है, जैसे आंकड़े आ रहे हैं कि हम चीन को भी पार कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात कहते हैं कि डेंसिटी वाइज हम चीन को पार कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए जो डेंसिटी है वो विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। दूसरी बात यह है कि कोई भी, जैसे भारत है तो इसके पास देश है, तो इसके जो संसाधन होते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। ऐसी अवस्था में जो है आपको सबको जो है, आप चाहते हैं कि सबके पास मकान हो, सबके पास रोटी कपड़ा और मकान, जो मौलिक आवश्यकताएँ हैं वो आप नहीं पहुँचा सकते। अगर आपके पास जनसंख्या कम होगी तब कर पाएंगे। हिंदुस्तान में केवल जनसंख्या ही नहीं प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आसपास जो
गरीब देश हैं, वहां से जो घुसपैठ होती है, विशेषकर हमारी बांग्लादेश से जो है वो एक दो नहीं वो करोड़ों के फॉर्म में होती है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, जनसंख्या है, अगर आप इसको हिस्ट्री में जाए, पृष्ठभूमि में जाए, 1978 में चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म्स जो है फॉलो किया था, और उसने जो ये प्लान किया था कि हम 35 साल में 40 करोड़ जो नए आदमी आने वाले हैं, जो नए लोग पैदा होने वाले, हम उनको रोक लेंगे, और उसका उसको बेनिफिट मिला। और आज आप देख रहे हैं कि 1978-80 तक जो हमारा जो रेशियो था, जो पर कैपिटल इनकम थी, भारत के लोग की और चाइना के लोग की सेम थी। आज क्या है, भारत की लोग 1 लाख कुछ है, वो 7 लाख है कुछ पे आ गए हैं, यानी कि वो हमसे 7 गुने बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, और उनके पास आय के साधन जो है 7 गुने बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या निरंतर भी उनकी तरक्की का एक जो था वो साधन था, यहाँ पे भी एक साधन हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपके पास घर अगर छोटा होता है, छोटे परिवार होते हैं, तो आप अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे इमरजेंसी के दौरान जो संजय गांधी ने जो हम दो हमारे दो और नसबंदी प्रोग्राम चलाया था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि काफी धार्मिक कारण होते हैं, काफी सामाजिक कारण होते हैं, काफी राजनीतिक कारण होते हैं, तो इस तरीके की जो पाबंदियां जो लगाई जाती हैं, हालांकि अगर वो एक लॉ के थ्रू लाते तो ज्यादा बेहतर रहता था, वो उनको एक अध्यादेश या वर्बल स्टेटमेंट के तहत, आदेश के तहत वो एक पूरे भारत में इसको लाना चाह रहे थे, जो उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि हालांकि जो हमारे पास अगर 29 राज्य कहें तो जो 24 राज्य हैं उसमें हमारी ग्रोथ रेट घटी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ग्रामीण है। आज भी 60 से 70% लोग ग्रामीण रहते हैं, जो कि अशिक्षित हैं, जिनके पास चिकित्सा के पूरे साधन नहीं है, उस वजह से वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जो है भारत के लिए जो है ज्यादा बड़ी समस्या कर रहा है। तो शहरों का जहां तक है वहां पे ग्रोथ रेट गिरा है और काफी चीजें कंट्रोल में आई हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की बहुत आवश्यकता है, और जिसके कारण जब तक कानून यहां नहीं बनाया जाएगा, कठोर कानून नहीं बनाया जाएगा, हम तो कहते हैं कि जैसे यहां पे बना है कि 2 वर्ष से ज्यादा बच्चे होंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कई स्तर पर इस प्रकार के कानून है, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे कुछ लोगों ने बना रखा है, हालांकि पूर्णता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हो तो आपके वोटिंग राइट्स को छीन लेना चाहिए। अगर इस तरीके के आपके कानून होंगे तभी इस देश के अंदर आप देखेंगे 2 चाइल्ड नॉर्म्स की बात आएगी, जबकि चाइना की जनसंख्या भारत की आज की जनसंख्या से कम थी तब, और एरिया यहां से 1.5 गुना है, तब उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म्स की बात कही थी। आज हम 2 चाइल्ड नॉर्म्स की बात सोच रहे हैं जबकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, तो सोचिए कि यहां पे जो जनसंख्या विस्फोट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत तकलीफदेह होगा आगे आने वाले समय में। बिल्कुल, एक बात अतुल जी कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी जो है जिस प्रकार का पुल बना के देगी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, उसके लिए रास्ता उतना आसान हो जाता है, लेकिन जिस तरीके का पुल हमारी से बनाई गई है, इतनी भयंकर जनसंख्या बढ़ चुकी है कि अगर एक वैकेंसी के लिए किसी एक सीट पर वैकेंसी आती है तो उसके लिए तकरीबन 28 से 30 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म भर देते हैं। इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिस चीज को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि परिवार में अगर 5 लोग हैं और या 6-7 बच्चे हैं हमारे तो वो सभी कमाएंगे, और लेकिन वो ये नहीं सोचते कि खर्चा भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये समझ कैसे लोगों में डाली जाए? देखिए काव्या जी, आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था लाल किले पर से, और उन्होंने इस चीज को बड़ा माइनॉरिटी ऑब्जर्व किया था, उसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेट भी किया था। ये ऐसा नहीं, अभी 4 साल केंद्र सरकार के बाकी है और ये निश्चित आना है। देखिए अब मैं आता हूं आपके सीए पर, नागरिकता पर। देखिए बहुत बड़ा कारण दोनों से जुड़ा हुआ है। मोहम्मदंस इस बात को जानते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। आपको यह भी याद होगा कि पेपरों में बीच में निकला था कि उत्तर प्रदेश सरकार की योगी के लिए उनका ऐसी प्लानिंग चल रही है कि जो भी जिसके 2 बच्चे होंगे वही सरकारी सुविधाओं को उठाने के लिए माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें अब आप लेकर चलिए। अब आपने कहा कि जब कोई वैकेंसी निकलती तो बच्चे इतने इतने एप्लीकेशन देते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए काव्या जी, आज उसको कम होते होते अभी हम ये मान के चलते 20 साल और लगेंगे,
क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो इस चीज को समझ चुकी है। बिल्कुल, पहले के लोगों की बात हम नहीं करते हैं। अभी सोती जी ने कहा कि गांव के लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब उनके बच्चे भी शहर में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी कुछ बनना चाहते हैं, वो लिटरेट होना चाहते हैं, इलिटरेसी को छोड़ना चाहते हैं। तो अगर पिछले का इंपैक्ट है तो इस समय का भी इंपैक्ट आगे चलकर अच्छा पड़ेगा। और काव्य जी, जहां तक मैं समझता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण, अब चाइना की बात आप लेकर चलिए, चाइना का जैसे 1978 में इन्होंने कहा कि एक बच्चे की वहां पर रणनीति लाई गई, चाइना ने ठीक किया, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे कारण क्या है, भारत में कई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, आपका हिंदू धर्म है, सारे धर्म समायोजित है यहाँ पर। अगर किसी के साथ में सरकार एक नियम कानून बनाती है तब तो लागू किया जा सकता है। अगर वो सरकार ऐसे कहती है तो फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बवंडर खड़ा कर देंगी जो विपक्षी पार्टियां हैं। वो हम आपसे काव्य जी बार बार इसी चैनल पर कहते हैं, जिस दिन हमारी सोच देश के लिए हो जाएगी उसी दिन जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा, उसी दिन भारत उसमें सारे कानून भी लागू हो जाएंगे। सोती जी ने कहा कि 1,00,000 रुपए हमारी जो है इस समय पे इनकम है तो उनकी 7,00,000 है, इसलिए 7,00,000 है सोती जी कि वो देश के लिए सोच रहे हैं, हम लोग अपने लिए सोच रहे हैं। जिस दिन हम लोग अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे तो हम 14,00,000 पे चले जाएंगे और 7,00,000 पे रह जाएंगे। आलोसुती जी, एक और अहम बात है, देखिए व्यक्ति को समझाने के लिए राजनीतिक दलों को भी एक अहम योगदान निभाना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही कुछ नेताओं के बयान आए, असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि ये कह रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया जाएगा, हमें नहीं रोक सकते आप प्रोडक्शन से, सेम चीज कुछ बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कहा गया कि ठीक है आप 6-7 बच्चे करिए, 2 अपने पास रखिएगा बाकी हमें दे दीजिएगा। कई ऐसे बयानों के बाद आपको नहीं लगता कि इन्हें भी जागरूक होने की जरूरत है, नेताओं को भी बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए? देखिए जहां तक जागरूकता की बात है, 1975 से अब तक संजय गांधी जी ने जब कहा था कि छोटा परिवार बड़ा सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस स्लोगन और इस तरीके की NHRM के जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम है अब तक 2.15 करोड़ यानी 2,15,000 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन पे खर्च किए जा चुके हैं। यानी कि आप समझिए अगर आज का आंकड़ा देख ले तो 2,50,000 करोड़ रुपए का केवल जो है जागरूकता के लिए अभियान में खर्च किए जा चुके हैं। रिजल्ट आपके सामने क्या है ये सब जान रहे हैं, कहीं कोई प्रोडक्शन बच्चों का रुका नहीं है, जो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 1.8 से 2% अभी भी चल रही है। तो कहने का मतलब है जो 34 करोड़ नए परिवार पैदा हुए हैं जिसमें 18 करोड़ में 2 बच्चे थे और जो बाकी जो 15 करोड़ हैं उसमें करीब 3 बच्चों के आसपास आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो हम लोग अगर हम चाइना को देखें तो उस समय 1978 में वन चाइल्ड नॉर्म्स लाया था, जबकि उस समय जो है पॉपुलेशन जो थी बराबर थी और अपना जो पर कैपिटल इनकम बराबर था, जो आपकी GDP थी सारी ग्रोथ बराबर थी। आपको ताज्जुब होगा हम लोग 1947 में आजाद हुए और वो 1902 साल बाद आजाद हुआ, 49 में आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद सन 80 तक हम लोग आगे बने रहे थे, लगे थे, लेकिन 80 से विगत 40 साल के अंदर जो उसने प्रगति की है वो प्रगति जो है भारत उसमें काफी पिछड़ता चला गया है। हाँ अब एक मौका है कोरोना का, जिसके बाद से हमको लग रहा है कि इस समय जो चेंज आया है वर्ल्ड में कि जो एक नेक्सस बना हुआ है कि जो US और इजराइल हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, इधर रशिया भी हमको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में हमको जो है इस समय सही डिसीजन लेने की जरूरत है जिससे कि हम अगले 40 साल में हम चाइना से क्रॉस कर जाए, हालांकि कर नहीं पाएंगे लेकिन चाइना तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है जनसंख्या को लेकर के आम जनमानस को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसकी जरूरत है, क्योंकि विकास अपने आप धीमी गति पकड़ लेता है जब जनसंख्या किसी मुल्क की बहुत ज्यादा होती है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।